पिछले कुछ समय से भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने सोमवार को कहा कि वह भारत के खिलाफ किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। दुनिया भर के खाद्य तेल के सबसे बड़े खरीदार भारत ने इसी महीने मलेशिया से तेल के आयात पर रोक लगा दी थी। इसी महातीर के भारत की नीतियों के खिलाफ हमलावर होने से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें कि महातीर कश्मीर मुद्दे से लेकर नागरिकता कानून को लेकर भारत की तीखी आलोचना कर चुके हैं। महातीर ने मलेशिया के लांग कावी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम भारत के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत छोटे देश हैं। हमें इस समस्या से बाहर निकलने के लिए दूसरे तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि 94 वर्षीय महातीर ने नागरिकता कानून को सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि यह पूरी तरह से अनुचित है। भारत पिछले 5 सालों में मलेशिया से खाद्य तेल खरीदने वाला शीर्ष खरीदार रहा है, लेकिन अब मलेशिया के लिए तेल बेचना मुश्किल हो गया है। मलेशिया की अव्यवस्था में तेल निर्यात की अहम हिस्सेदारी है। मलेशिया के खाद्य तेल की कीमतों में पिछले सप्ताह करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट भी है। मलेशिया के विवादित इस्लामिक धर्म गुरु जाकिर नाइक के स्थायी निवासी का दर्जा खत्म करने से भी इनकार कर दिया है। मलेशिया के इस फैसले को लेकर भी भारत खफा है। जाकिर नाइक पर भारत में हेट स्पीच देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वह मलेशिया में पिछले 3 सालों से रह रहे हैं।